भाई पूरा कबीर नगर इकट्ठे कर लो सलीम भाई, मैं बता रहा हूँ ये बदला भी ले रहा है ध्यान से। ये देखो छोटे छोटे बच्चे, ये देखो भाई को तुम्हारे भी लगे, ये देखो छोटे बच्चे। ये देखो बच्चों के कपड़े पे खून देख लो। दिल को दहला देने वाले ये मनाजिर कहीं और के नहीं बल्कि हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली के हैं, जहां पर एक ही मुस्लिम फैमिली के 14 लोगों पर 25 लोगों ने मिलकर के खातिलाना हमला कर दिया उनके घर में घुस करके। बताया जाता है कि जिसने हमला किया वो आम आदमी पार्टी के एमएलए के करीबी का रिश्तेदार है और उसका भांजा है और उसका एक साला है। इन लोगों ने मिलकर के एक 20-25 लोगों को जमा किया और इस मुस्लिम फैमिली के घर में घुसकर कातिलाना हमला कर दिया। बच्चों को मारा, औरतों को मारा, बूढ़ी खवातीन को मारा, नौजवानों को पीटा, इस कदर इतनी बुरी हालत में उन्हें पीटा कि उनके जिस्मों से बहते हुए खून के निशानात आप उनके कपड़ों पर देख सकते हैं। ये हाल दिल्ली के यमुना नगर का है। हमला करने की वजह ये मुस्लिम फैमिली बताती है यमुना नगर की कि इनका मुसलमान होना ये बहुत बड़ा कसूर वहाँ पर है। ये वही यमुना नगर है जहाँ पर गुज़िश्ता 2 साल पहले जो फसादात भड़के थे उसमें तकरीबन 53 लोगों की मौत वाकई हो गई थी जिसमें ज़्यादातर मुसलमान थे। किस वजह से इन लोगों को मारा पीटा जा रहा है? दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार सिर्फ नामो नमूद का काम करती है। आप जैसे कि जानते हैं कि कई स्टेट्स में कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व आइडियोलॉजी को इख्तियार करती है, उसी तरह से दिल्ली के आम आदमी पार्टी का भी यही हाल है। अरविंद केजरीवाल ने आज तक भी दिल्ली के उन फसाद जहां पर बरपा हुआ था उन इलाकों का आज तक दौरा नहीं किया और उन मुसलमान फैमिली से इसकी मुलाकात नहीं हो सकी। आप समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल भी एक छुपे हुए संगी माने जा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल नामो नमूद के लिए काम करते हैं, लेकिन जब बात जब आती है मुसलमानों पर जुल्म ज्यादती जब होता है तब अरविंद केजरीवाल दूर हो जाते हैं। ऐसा क्यों है और इन लोगों को मारने का अहम मकसद क्या था, क्या आप जानते हैं? कि ये फैमिली बताती है कि गेट पर खड़े हुए वॉचमैन से एक शख्स बदतमीजी से बात कर रहा था जो सोसाइटी की गेट थी। जब ये लोग वहाँ पर जाते हैं और कहते हैं दो भाई कि भाई आप बदतमीजी मत करिए, तो कहता है कि तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारा अभी बताता हूँ। बहरहाल वो वहाँ पर से निकल के चले जाता है। उसके बाद 15 मिनट के बाद वो सोसाइटी की गेट पर वॉचमैन को मारते हैं और उसके बाद इस मुस्लिम फैमिली के घर में पहुंच जाते हैं और इनके घर में घुस करके ना औरतों को देखते हैं, ना बच्चों को देखते हैं, ना बूढ़ी खवातीन को देखते हैं। बेदर्दाना तरीके से इन्हें मारा जाता है। आखिर कब तक ये जुल्म ज़्यादती का शिकार हिंदुस्तान का मुसलमान होता रहेगा? आखिर कब तक हम इन तमाम चीज़ों को सहते रहेंगे? क्या कोई सरकार हमारा साथ नहीं देगी? क्या हिंदुस्तान में सेक्युलर सोच रखने वाले उन्हीं अफराद से क्या हम अपनी पुकार इंसाफ की लगा सकते हैं? क्या दूसरी जो सरकारें बनती जा रही है क्या उनका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये फ़र्ज़ नहीं कि वो मुसलमानों की मदद करे, ऐसे ख़ास तौर पर ऐसे इलाकों की जहां पर मुसलमान कम तादाद में रहते हों, ऐसों की मदद क्यों नहीं की जाती? जमीयत उलमाए हिंद का एक वफद जाकर के इनसे मुलाकात किया और बताया जाता है कि उन्होंने DCP से भी बात की और एक केस दर्ज कर लिया गया है और तहकीकात का आगाज़ करके उस विपिन नामी शख्स जिसने कहा था कि मैं पवार का साला हूँ और मैं तुझे बताऊँगा, और उसके साथ साथ जो दीपक शर्मा जिसका नाम है, जो बताया जाता है कि पवार का भांजा है, वो भी इसमें मुलव्वस था। अब देखना ये होगा कि क्या इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है या नहीं। E99 एक्सप्रेस TV के लिए मैं हबीब मसूद। बैठे हुए थे तो बाहर जो है गार्ड के एक आदमी से लड़ रहा था, गार्ड से एक आदमी लड़ रहा था। मेरे बड़े भाई जो है घर जाने के लिए घर से बाहर निकले तो तभी वो गाली गलौज आपस में कर रहे थे। मेरे भाई ने कहा कि भाई तुम गाली गलौज क्यों कर रहे हो आपस में?
और उस शख्स से कहा कि भाई तू ये गरीब आदमी को क्यों गाली दे रहा है। तो उस शख्स ने मेरे भाई को भी गालियां दी और गंदी गंदी गालियां दी। और उसने कहा कि मैं तुझे अभी बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं शरद, मैं सुधीर पवार का साला लगता हूँ और तुझे अभी मजा चकाता हूँ मैं। और तभी वो फोन करता हुआ आगे निकल गया और हम लोग अपने घर में वापस आ गए, कुंडी लगा ली। और तभी 15 मिनट में फिर हमारे घर की जो है ना बैल बजती है और हम बाहर जाकर चेक करते हैं, तो तभी 20 से 25 लोग हमारे घर के दरवाजे पर हमें खड़े हुए दिखाई देते हैं। जैसे ही हम बाहर जाते हैं तो हमें गालियां बकने लगते हैं माँ बहन की गंदी गंदी, और हमसे मारपीट शुरू कर देते हैं। और इतने ही 25-30 लोग गेट के बाहर खड़े हुए थे, जो मारपीट शुरू होते ही तुरंत अंदर आ जाते हैं और सब मिलकर हमें बुरी तरीके से मारते हैं, जिसमें मेरी बेटी बहन हमें बचाने के लिए बाहर आती है, तो उनके ऊपर भी हथियारों से हमला करते हैं।